नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 मई मंगलवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। कोविड 19 की दूसरी लहर के चलते शिक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित करने का आग्रह किया है। इसके लिए केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों के सभी प्रमुखों को संबोधित एक पत्र लिखा गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने संस्थानों से आग्रह किया है कि वे मई 2021 के महीने में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित कर दें। ऑनलाइन परीक्षाएं यदि हालांकि जारी रह सकती हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि निर्णय की समीक्षा जून 2021 के पहले सप्ताह में की जाएंगी। इसी आधार पर परीक्षाओं पर विचार किया जाएगा। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते देश के अधिकांश हिस्सों में शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और सभी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। ऐसे में कुछ परीक्षाएं ऐसी भी हैं जिनके संबंध में अभी फैसला नहीं लिया गया है। करौली जिले के हिंडौन सिटी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 की रिश्वत लेते पाली ग्राम पंचायत पटवारी यशपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने नामांतरण खोलने की एवज में परिवादी से रिश्वत की मांग की थी। परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी में दी थी। शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाते हुए आरोपी पटवारी यशवाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कोरोना से निपटने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। सीजे इंद्रजीत व जस्टिस विनीत माथुर की खंडपीठ ने यह निर्देश समाजसेवी सुरेंद्र जैन की जनहित याचिका पर दिए। हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं। वहीं महात्मा गांधी अस्पताल की नई बिल्डिंग को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि विधिवत उद्घाटन के चक्कर में अस्पताल की नई बिल्डिंग शुरू नहीं हो पाई थी। वहीं ऑनलाइन पोर्टल को सुचारू रूप से संचालित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं निजी अस्पतालों में भी इलाज मुफ्त करवाने के संबंध में भी सुनवाई होगी। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। जोधपुर शहर के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर सुब्रमणि विश्वनाथन के परिवार के 3 सदस्यों की बीमारी से जान चली गई। परिवार के सभी सदस्य बीमार हुए तथा करीब 20 दिन के संघर्ष के बाद भी उन्होंने परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया। सुब्रमणि के परिवार में करीब 20 दिन पहले बीमारी ने दस्तक दी, कुछ को अस्पताल में भर्ती करवाया। उनके पिता विश्वनाथन, मां लक्ष्मी व पत्नी प्रतिभा अस्पताल में बीमारी से जंग लड़ रहे थे। पिता विश्वनाथन का 30 अप्रैल को निधन हो गया तथा दूसरे दिन फिर परिवार पर कहर टूटा और 1 मई को पत्नी प्रतिभा ने भी साथ छोड़ दिया। परिवार संभल पाता उससे पहले घर में तीसरी मौत हो गई। मां लक्ष्मी का भी निधन हो गया। अब कोविड मरीजों का इलाज सरकार की नज़र में रहेगा। प्रदेश भर के कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग की बड़ी व्यवस्था की गई है। मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पतालों में लगे सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। चिकित्सा मंत्री से लेकर अन्य आला अधिकारी मॉनिटरिंग कर सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग इसके लिए बड़ी कवायद कर रहा है। अस्पतालों के सभी सीसीटीवी कैमरों को ऑनलाइन करने की कवायद की जा रही है। खुद चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक MDM जोधपुर, ESI उदयपुर, MCH बीकानेर, बाड़मेर और भीलवाड़ा के अस्पताल के सीसीटीवी ऑनलाइन हो चुके हैं। वहीं RUHS सहित अन्य बड़े अस्पतालों के सीसीटीवी भी जल्द ऑनलाइन होंगे। दरअसल प्रदेश भर के कई अस्पतालों को लेकर नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है। ऐसे में फील्ड में सीधी मॉनिटरिंग के लिए विभाग यह कवायद कर रहा है। जोधपुर जिले के लोहावट थाना क्षेत्र में घर में फंदे पर मां और 2 मासूम के शव झूलते मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को फंदे से उतरवाकर औसिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि 27 वर्षीय संगीता व बेटे प्रकाश व रवि का शव फंदे से लटके मिले हैं। महिला का पति छगनलाल घर से बाहर गया हुआ था। घर पहुंचने पर दरवाजा अंदर से बंद मिला। पिछले दरवाजे से देखने पर तीनों के शव फंदे से लटकते हुए मिले। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के जारी महासंकट के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। उन सभी को 2 महीने तक मुफ्त में राशन मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जितने भी ऑटो चालक, टैक्सी चालक हैं, उन सभी को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके तहत करीब 1.5 लाख ऑटो टैक्सी चालकों को लाभ पहुंचेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि 2 महीने मुफ्त में राशन मिलने का मतलब ये नहीं है कि 2 महीने तक लॉकडाउन चलेगा। हम चाहते हैं कि हालात सुधरें तो जल्द से जल्द लॉकडाउन को हटाना पड़े।
पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार उपखंड व तहसील कार्यालय में कोरोना का विस्फोट हुआ। वहीं SDM पुष्पा कंवर सिसोदिया पूरे परिवार सहित पॉजिटिव आई है। दोनों कार्यालय में 9 क्रामिक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की टीमों ने उनके संपर्क में आए लोगों की सैंपलिंग का कार्य भी शुरू कर दिया है। वहीं सभी को होम आइसोलेट किया है। दोनों कार्यालय को बंद कर दिया गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।